दिल्ली पुलिस और यूपीएटीएस की टीम ने 3 दिनों पहले प्रयागराज से 2 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया था। दोनों से पूछताछ में कई और व्यक्तियों की भूमिका संदिग्ध पाई गई थी, जिसमें एटीएस की टीम संदिग्ध आतंकी उमैदुर रहमान की तलाश में जुटी थी। लेकिन उमैदुर रहमान की पत्नी ने दावा किया कि वो शुक्रवार की देर शाम करीब 9:21 पर प्रयागराज के करेली थाने में सरेंडर कर दिया है। हालांकि परिजनों के दावे पर पुलिस महकमे के आला अधिकारियों ने साफ तौर पर इनकार किया। उमैदुर रहमान की पत्नी तबस्सुम ने जी मीडिया से बातचीत में बताया कि उसके पास फोन करके सरेंडर की जानकारी खुद उमैदुर रहमान ने दी, लेकिन करेली थाने की पुलिस और आला अधिकारियों ने किसी भी ऐसे व्यक्ति के सरेंडर से साफ तौर पर इनकार किया है। गौरतलब है कि उमैदुर रहमान प्रयागराज के करेली थाना क्षेत्र के वसीयाबाद इलाके में रहता है। उमैदुर रहमान को दिल्ली में गिरफ्तार हुए आतंकी उसामा का चाचा और लखनऊ से गिरफ्तार आमिर की बहन का ससुर भी बताया जा रहा है। हाल ही में एटीएस ने प्रयागराज के करेली इलाके से जिशान कमर नाम के आतंकी को गिरफ्तार किया था। जिशान की निशानदेही पर IED विस्फोटक भी बरामद किया गया था।